बच्चे के पिता को थप्पड़ मारने वाले डॉक्टर को किया सस्पेंड। बता दें, कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जींद जिले के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बीमार बच्चे के पिता को थप्पड़ मारा था और उससे गुंडों की भाषा में बातचीत की थी। जब हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज को इस बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। देखिए, मैंने डीजी हेल्थ को कह दिया है, तुरंत इस डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए और इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसको चार्जशीट अंडर रूल 7 करके इसे पूछा जाए कि इस प्रकार का इसने व्यवहार क्यों किया। नहीं नहीं, गलत है, सारी दवाइयां हैं हमारे पास, हमारे वेयर हाउस भरे पड़े हैं, कोई दवाई की कमी नहीं है। सर, मौजूद भी इस तरह के मामले ऐसे हैं और आते हैं तो हम कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ। थैंक यू। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, देखिए। तो आप बोलो, क्या बोलो? मैं सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं, नहीं सर, आप बोलो, मैं अभी उनकी भी ऐसे लेके जाऊंगा। आप बोलो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस टोन में और ये दिखा के मेरे बाप? नहीं सर, मैं ये नहीं दिखा रहा सर, आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। गेट से बाहर हो? नहीं निकाल सकते। गेट से बाहर हो? आप निकाल लो मुझे, मेरा बच्चा इमरजेंसी में है। तुम्हारा बच्चा इमरजेंसी में है? हाँ। तरीके से बात, मैं जींद सिविल हॉस्पिटल में हूँ और आप भी जींद सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, प्लीज आप बताओ बताओ या फिर आप वहाँ भेज दो मुझे। बच्चा सर हमारा एक के है, तो मैं रेफर कर रहा हूँ। रेफर का टाइम ही नहीं है हमारे पास, इसको फर्स्ट एड तो दोगे आप? फर्स्ट एड हम दे चुके हैं इसको। क्या दिया सर? नेबुलाइजर, एक नेबुलाइजर फर्स्ट एड हो गया सर। नेबुलाइजर बेकार, नेबुलाइजर नहीं पर इस बच्चे के लिए नेबुलाइजर एक ही वैसे, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं। तुम बताओ सर, आप डॉक्टर आप हो, आप इसका फर्स्ट एड देगा मुझे कहीं दे दो, या फिर आप वहाँ आकर के थोड़ा मुझे कह दो, रिक्वेस्ट कर दो उनको, भाई आप 25 दिन का आइए। वो मेरी बात क्यों मानेंगे सर? कमाल, एक इंस्टीट्यूशन में आप वो करके क्यों नहीं मानेंगे सर? एक इंस्टीट्यूशन में बात नहीं मानना, तुम उनसे बोलो ना ये चीज। मैंने तो उनको बोला था, वो आपको पास कह रहे हैं, तो तुम्हें समझा के भेजा। आप ये कहो, मैंने उनको भेजा था, उन्होंने वापस भेज दिया। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, उनके पास दवाइयां होती है, हमारे पास नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पास है नहीं, बच्चा नहीं ले सकते हम इसको। मैं उनको नहीं कंट्रोल कर सकता ना, वो तो मेरे बराबर के, मैं उनको ले ले, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इसलिए कह रहा हूँ उनके पास दवाइयाँ होती है, हमारे पास। वो भी कह रहे हैं नहीं है, आप भी कह रहे हो नहीं हो, तो फिर यहाँ क्यों आए हो सर? आप लिख दो ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं सर, फिर फालतू की कैसे हो गई? यहाँ क्या है ये बताओ, एक बच्चे के लिए आप ट्रीटमेंट, इंजेक्शन कुछ भी नहीं दिया? इंजेक्शन नहीं, नेबुलाइजर, नेबुलाइजर क्या दिया आपने? खाली पड़ा है ये, क्या दिया है बताइए? टोन खराब है क्या? नहीं सर, टोन मेरी खराब अभी हुई है, मैं हाथ पैर जोड़ रहे हूँ आपके। तेरी टोन खराब है, कैसे खराब है बताइए? तेरी टोन खराब है सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आपसे बाय रिक्वेस्ट है सर। मेरे बच्चे को आ रहा हूँ, मैं तेरे को इतनी देर से समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ तेरे को? क्या समझा रहे हो सर आप बताइए? जो हम हेल्प कर रहे हैं वो कर रहे हैं, रेफर भी कर रहे हैं। रेफर का सर समय आप बताओ, रेफर का समय? मैं 15 किलोमीटर में 1.5 घंटे में आया हूँ, आप रोहतक में कितने घंटे में जाऊंगा ना बताओ आप? और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्लियर कट बता चुका हूँ, समझे ना? ठीक है, थैंक यू, आ जाओ। वो हेल्प नहीं करे, आप भी मदद नहीं करे, आप बोलो ना उनको, मैं अड़ूंगा जाकर के, मेरा बच्चा 25 दिन का है। मैं सीएमओ नहीं हूँ, सीएमओ वहाँ बैठती है, मैं कहूँगा ये बात, आप भी कहो भाई मेरे पास। वो कह रहे रूल जा रहे, मेरा 25 दिन का बच्चा लेंगे, मैंने नहीं जाना। फिर वो कह रहे हैं आपके पास है 25 दिन से ज्यादा का बच्चा, आप संभालोगे? 25 दिन से ज्यादा का? हाँ, मतलब आप 28 दिन से ज्यादा का बच्चा आप संभालोगे? तो मैंने इसको नेबुलाइज किया है, पीडीएस। तब पीडीएस को बुलाओ, मुझे कहीं से भी बुलाओ आप पीडीएस को। मैं कहाँ से लेके आऊंगा रात में जाके? सर आप, मेरी ड्यूटी है लेके। आप किसी को तो इसको आप ट्रीटमेंट कैसे दोगे पीडीएस के बिना? दो लोगों को फोन किया, दोनों ने फोन नहीं पिक किया, दो दो तीन तीन बार किया, समझे? मैं रेफर किया। यहाँ एक ड्यूटी किसकी अभी? मेरी नहीं, पीडीएस की। कौन है पीडीएस की? कौन है डॉक्टर? पीडीएस कौन है यहाँ पर अभी जिस इमरजेंसी में आ सकता आप? घर एक की नहीं है, एक ही है। दोनों को फोन किया मैंने। नाम बताओ सर। क्यों सर कमाल करो, पीडीएस का नाम बताओ आप मुझे, कौन है? तुम डीसी हो गए? मैं डीसी नहीं हूँ, मैं जनता हूँ और मैं मरीज हूँ। तुम इस तरह तो आप यहाँ इंस्टीट्यूशन में बैठ के आप ये भी नहीं बता सकते ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी किसकी है? हाँ आप ड्यूटी बताओ किसकी है? अभी तो नहीं सर, आप नंबर किसका है ये मैं ये पूछ रहा हूँ। ये देखो ना, तो फर्स्ट एड देते हैं आप, फर्स्ट एड लगने दी? फर्स्ट एड नहीं दी क्या? फर्स्ट एड है, नेबुलाइजर दे दिया, नेबुलाइजर दे दिया, समझ रहे हर चीज को?
नहीं कैसे मारोगे, नहीं कैसे मारोगे आप, आप ये बताओ, देखते हैं निशा, उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, कोई बात नहीं, क्यों कर लो बंद, मैं बोला काम बताओ, इसकी जो आप एक इंस्टीट्यूशन में हो ना, कैसे को हो भाई, एक 25 दिन का मैं ढूंढा, मेरा गार्ड है, मैं इससे काम करवा सकता हूँ, वो मेरे बराबर की डॉक्टर है, उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता, नहीं सर आप ऐसे नहीं कर रहे, चाल है फिर ठीक है।